जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध आदि की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने को लेकर नगर पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सहित अन्य बिंदुओं पर अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एनेक्सी सभागार में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डोर टू डोर और कूड़ा कलेक्शन, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वृक्षारोपण, कान्हा गौशाला आदि के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा स्वच्छ के मानक के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अच्छी रैंक प्राप्त हो। इस हेतु स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करें और उन्होंने ये भी कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसका आकस्मिक निरीक्षण करें तथा पकड़े जाने पर संबंधित के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाए। एडीएम सिटी ने कहा कि वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने हेतु गड्ढों की खुदाई निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करते हुए 100% वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को वृहद वृक्षारोपण अभियान आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त कान्हा गौशाला हेतु आश्रय स्थल बनाने के लिए भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाए और आश्रय स्थल में छुट्टा पशुओं को भेजा जाए तथा उनके चारे पानी आदि की व्यवस्था करते हुए पशु चिकित्सा कर्मियों की भी तैनाती की जाए। बैठक में उप जिलाधिकारी बांसगांव, कैंपियरगंज, खजनी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद, अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, उसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन मैनेजमेंट के लिए, जिनसे कंपोस्ट खाद नहीं बन सकती है, दोनों कूड़े को अलग अलग इकट्ठा करना स्टेज में। हम लोगों को नगर पंचायत की जमीन है तो वहाँ पर अगर नहीं है, मस्जिद साहबान को इसीलिए बुलाया गया है कि हमको कूड़ा डालने के लिए कोई ऊसर बंजर जमीन पत्ती कोई ऐसी जमीन हो जो उपलब्ध करा दी जाए ताकि हम लोग अपना नगर पंचायत से कूड़ा बाहर ले जाकर वहाँ पर डंप कर सके और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको अलग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लास्टिक है या कंप्यूटर या टीवी के वेस्ट मटेरियल है जो कहीं भी स्कूल आप नहीं सकते ना जमीन के अंदर वो गल सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम लोग कलेक्ट करके जितना भी कबाड़ी वाले जितने ठेकेदार हैं उन सबको बेच सकें, जो पॉलीथीन रिसाइकिल के लिए ले जाएं और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको भी वो लोग एकत्र करके ले जाएं, अपना रिसाइकिल करके दूसरा टीवी बनाएं, दूसरा कंप्यूटर बनाएं। तो ये हम लोगों को फर्स्ट स्टेज में करना है। मिशन में आपके कूड़ा करने के लिए वो उपलब्ध है कि नहीं है, मंडी भाव वगैरह कर नहीं है सेपरेटेड है वो और खेतों से वहाँ लोगों की ताकि बदलना है वहाँ पर। अच्छा ये बताइए आपके यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन के लिए कोई एजेंसी काम कर रही है या अपने सफाई कर्मी ही कर रहे हैं? अपना क्या फोटो नहीं बताया है कि वो कितना घर से कलेक्शन का कितना चार्ज करेंगे? सर अभी उन्होंने केवल शासन को सूचित किया है, संबंधित को नहीं। अच्छा नहीं, आपको कुछ नहीं बताया कि हम कितना पैसे ले रहे हैं? शासन को शासन बनने के लिए एजेंसी सर हमारे चेयरमैन साहब आए हैं सहजनवा के उसमें आप समय से पेड़ लगा सकें, नमी गड्ढों में आ जाएगी, पानी बरस रहा है तो नमी गड्ढों को मिल जाएगी वृक्षारोपण के लिए। कोई आपके पास जगह है तो बांसगांव में आप बताइए कि क्या नगर पंचायत के पास कोई या कोई दूर भी सही कोई डंपिंग ग्राउंड है कि नहीं है? एक एकड़ और एसपीडी के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, 2 एकड़ जमीन चाहिए।
वृक्षारोपण का नियम पास न होने सर 1680 है सर विचार फोन 1680 से कुछ ज़्यादा चुना पड़ेगा क्योंकि नगर निगम अपना 1.5 लाख का टारगेट पूरा नहीं कर पाया है। नगर निगम जो गोरखपुर में है उनको 1.5 लाख पौधे नगर पंचायत में ट्रांसमिट कर रहा है कि वहाँ से लगे पूरा करने के लिए कितने घंटे घूमने तो आपको पूरा करना है जल्दी से जल्दी मैं खबर हो रही है 9 अगस्त को आपको 9:30 बजे से अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। 100-100 पेड़ एक दिन में लगाएं अभी से लगवाना शुरू कर दीजिए। ठीक सर तारीख सर पौधे लगाने से पहले उसकी जाँच व्यवस्था किया जाए क्योंकि पौधे ऊपर जाते हैं। हाँ लगने के बाद पौधे जो है उसका जो मेरा काम सही हुआ है उसको जाते हैं। हाँ ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत या तीन टी का है। हाँ आप लोग बताइए सभासद गण आए इसके लिए हम लोग कहाँ से धन की व्यवस्था करें तो टीका वगैरह लग जाए। टीका दिया जाता है। हाँ टीका दिया जाता है। अच्छा एक टीका को कितना अभी किसी ईओ साहबान ने टीका अभी लगाया हो तो उसका खर्चा अनुमानित कितना आता है एक टी और 1680 का कितना आएगा अनुमानित। नगर पंचायत के सभी चेयरमैन साहबान सभासद गण को और ईओस को बुलाया गया था। शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी नगर पंचायतों में एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कूड़ा प्लांट्स लगने हैं। कूड़ा डिस्पोजल प्लांट्स सभी जगह लगना है वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोजल प्लांट। तो उसी के लिए आज ये बैठक की गई थी। सभी को जानकारी दी गई है कि अपने एसडीएम साहबान से मिलकर ग्राम सभा की कोई ज़मीन इस लायक हो तो नगर क्षेत्र पंचायत के बाहर भी अपना उस इन कूड़ा घरों की व्यवस्था करें। उसी के लिए आज ये बैठक की गई थी और कूड़ा कलेक्शन के लिए अपनी नियमावली में प्राविधान करें कि किस दर से वो कूड़ा कलेक्ट किया जाएगा। वृक्षारोपण के संबंध में भी सभी को टारगेट मिला हुआ है। उनको कहा गया गड्ढे खुदवा लें और 9 अगस्त से पहले ही पेड़ लगवाने की कार्रवाई शुरू कर दें।